अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ एक और बहुत ही सिंपल और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। बजट फ्रेंडली पास्ता बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है। मिस मत कीजिएगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर तो आप लोग न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे 300 ग्राम बोनलेस चिकन है, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। एक खाने का चम्मच सिरका, एक चाय का चम्मच सोया सॉस, आधी चाय के चम्मच से थोड़ी कम है नमक डाला, आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर भी आधी चाय के चम्मच से थोड़ी कम और लहसुन पाउडर भी आधी चाय के चम्मच से थोड़ी कम। पेस्ट डाल सकते हैं आप एक चाय का चम्मच अगर पाउडर ना हो। मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे जितनी देर हम लोग नेक्स्ट स्टेप ना कर लें। चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। यहाँ पे पानी मैंने रखा हुआ था बॉईल होने के लिए, एक चाय का चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे। और यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट शेप्स के पास्ता यूज़ किए हैं। टोटल वेट 600 ग्राम है, 600 ग्राम इसका वेट है। आप कोई भी शेप अपनी पसंद की ले सकते हैं। उबलते हुए पानी में इसको डाल देंगे। अब आपने इसको जो बॉक्स के पीछे टाइमिंग है उसके मुताबिक बॉईल करना है। मैंने इसको 10 मिनट बॉईल किया था, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गला हुआ पसंद करते हैं, कुछ लोग इतना गला हुआ पसंद नहीं करते, थोड़ा सख्त पसंद करते हैं। मैंने नॉर्मल रखा है, बच्चों ने खाना है तो ज़्यादा सख्त नहीं है। बॉक्स पे 7 से 8 मिनट का टाइम होता है, मैंने इसको 10 मिनट के लिए बॉईल किया था। अब देख लें ये बिल्कुल कुक है। इसको मैं पानी निकाल के पानी से, नलके के पानी से ही सिर्फ धो दूंगी, ताकि गर्म रहेगा तो और मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा और चिपक जाएगा। पानी डाल दूंगी ना फिर चिपकेगा नहीं। कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, सिर्फ मैंने पानी से इसको धो दिया था। यहाँ पे गाजर है, आपने अपनी मर्ज़ी से डालनी है कम या ज़्यादा, जैसे बच्चे पसंद करते हैं या आप पसंद करते हैं। नहीं अगर पसंद करते हैं सब्ज़ियाँ तो स्किप की जा सकती हैं। कोई भी सब्ज़ी अपनी पसंद के मुताबिक डाली जा सकती है। और किसी भी इसको शेप में काट लें, मैंने बारीक बारीक इसको लंबाई में काट लिया, जूलियन कट मैंने इसको किया है। शिमला मिर्च है, मैंने 3 डिफरेंट कलर की शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। और क्वांटिटी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा, कम या ज़्यादा जिस तरह भी आपको पसंद हो डाली जा सकती है। छोटे बड़े पीसेस जिस तरह भी आपको पसंद हो आप इसको काट लें अपनी पसंद के मुताबिक। सब कुछ चॉप करके साइड पर रख लेंगे और फिर कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अब सब कुछ रेडी है, अब हम लोग इसकी कुकिंग करेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया, वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। चिकन मैरिनेट करके रखा था वो इसमें डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे, मीडियम हीट पे इसको पकाएंगे। चलें अब इसको कवर करेंगे, थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, 8 से 10 मिनट। सोया सॉस सिरका डाला हुआ तो जल्दी गल जाएगा। अच्छी तरह से मैंने इसको टेंडर किया क्योंकि बच्चों ने खाना है तो बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको गला लिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, डिपेंड करता है कि चिकन कितनी देर मैरिनेट के लिए पड़ा रहा है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको गला लीजिएगा, पका लीजिएगा। और ये देखें चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो गया। अब इसको थोड़ी तेज़ आँच पर पका लेंगे ताकि पानी एक्स्ट्रा ड्राई हो जाए। सब्जियां काट के रखी थी, देखे सब कुछ रेडी करके फिर हमने कुकिंग स्टार्ट किया। आपने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो करनी है, बहुत जल्दी आपका 1 घंटे के अंदर पास्ता रेडी हो जाएगा और बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको इतना पका लें कि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, जैसे कलर चेंज होगा बस इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। बॉईल किया हुआ पास्ता इसमें डालेंगे। 1 से 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है, वेजिटेबल ऑयल भी डाला जा सकता है। आधी चाय का चम्मच नमक या फिर अपने जायके के मुताबिक, 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च या अपने जायके के मुताबिक काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइनीज़ नमक 1 खाने का चम्मच ऑप्शनल है, नहीं डालना तो बेशक मत डालिएगा, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना डालें बेशक। चिली गार्लिक सॉस है 3 से 4 खाने के चम्मच, ये बहुत तीखी वाली नहीं है, पाकिस्तानी ब्रांड है तो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, कॉमन है सबको पता होगा। 2 से 3 खाने के चम्मच टोमेटो केचप डाली है, काली मिर्चें फ्रेश ग्राइंड करके मैंने डाली है, 1/8 टीस्पून एक चुटकी के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ फ्लेवर के लिए डाली है। इसको मिक्स करेंगे, बस 1-2 मिनट इतना पका लें कि जितने भी मसाले डालें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। पास्ता के साथ मज़ेदार किस्म का पास्ता बन जाएगा।
यहाँ पे नमक चेक कर लें, अगर नमक कम है तो मज़ीद और डाल के मिक्स कर लें। मिर्चें कम हैं तो सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च मज़ीद और ऐड की जा सकती है। चिली सॉस या हॉट सॉस भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बनाया तो मैंने इसको स्पाइसी नहीं किया। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो सेम पास्ता बना के अपना बाउल सेपरेट करके थोड़ा सा चाट मसाला और चिली सॉस डाल के तो फिर मिक्स करके खाती थी। बहुत ही मज़े का लगता है। अगर तो आप लोगों को स्पाइसी पसंद है तो ट्राई करके देखिएगा। बच्चों का निकाल के सेपरेट कर दें और अपने बाउल में चाट मसाला डाल के या फिर हॉट सॉस ऊपर डाल के खा के देखें, बहुत ही मज़ा आता है। ट्राई ज़रूर करना एक दफ़ा। झटपट रेसिपी है, बजट फ्रेंडली है। पता भी नहीं चलता कैसे ये पास्ता तैयार हो जाता है। बहुत सालों से मैं सेम इसी तरह से पास्ता बनाती आ रही हूँ, मोस्टली ऐसा बनता है। ये मेरी कॉलेज लाइफ की रेसिपी है, मुझे बहुत पसंद है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी बहुत पसंद है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, होममेड इज़ द बेस्ट। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।